नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिट्टी कूल के YouTube चैनल में। मेरा नाम है फाल्गुनी दवे और आज हम देखेंगे मिट्टी कूल के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसमें से उनका सिंपल मैजिक तवा कैसे काम करता है। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे इस तवा की पैकेजिंग की। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैजिक तवा ब्राउन कलर और ब्लैक कलर के वेरिएंट में अवेलेबल है। इसकी पैकेजिंग की बात करें तो यहाँ पे इस तवे के बारे में फ़ीचर्स दिए गए हैं, इसके यूज़ एंड केयर, प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है वो भी दिया गया है और इस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन भी इस पैकेजिंग पे दी गई है। मेरे पास जो ये तवा अवेलेबल है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि ये स्टील के स्टैंड के साथ सपोर्ट किया गया है और उसे इजीली हैंडल करने के लिए उसे वुडन के सपोर्ट के साथ दिया गया है, ताकि जब भी हम इसे गैस पे रखें तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए और इस पे रोटियां अच्छी तरह से बन पाए। इस तवे में आप रोटी सेक सकते हैं और भाकरी भी बना सकते हैं, तो आपकी नीड के हिसाब से आप इसे जैसे यूटिलाइज करना चाहें कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट को यूज़ करना बहुत ही आसान है, बस इस बात का ध्यान रखना है जब फर्स्ट टाइम आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं उसके पहले आप उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लें। क्लीन करने के लिए आप इसे नॉर्मल वाटर में साफ़ कर सकते हैं और आप चाहे तो पानी के अंदर बेकिंग सोडा या नींबू के कुछ बूंद डाल के भी इसे क्लीन कर लेंगे तो ये प्रोडक्ट एकदम रेडी हो जाएगा। धोने के बाद इसे कुछ टाइम के लिए सुखाने के लिए रख दीजिए, उसके बाद आप इसे यूज़ में ले सकते हैं। इसके वॉश केयर की अगर बात करें तो एक बार जब इसके अंदर आपने रोटियाँ बना ली हैं तो डायरेक्टली इसे ठंडे पानी में धोने के लिए ना डालें, क्योंकि उस टाइम ये तवा रहता है बहुत ही गर्म होता है, तो देर आर चांसेस कि इसके अंदर कुछ छोटे छोटे ब्रेकेजेस आ सकते हैं। तो इसलिए एक बार जब इसमें रोटियां बन गई होती है इसे नॉर्मल ठंडा होने दे और उसके बाद ही इसे नॉर्मल पानी से भी धो सकते हैं और या तो बेकिंग सोडा या नींबू के कुछ बूंद को पानी में मिक्स करके सॉफ्ट स्पंज के साथ इसे साफ़ कर सकते हैं। मिट्टी कूल के प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करना है और कैसे वॉश करना है इसके बारे में हमने सेपरेटली एक वीडियो बनाया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करना है और कैसे केयर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक्स दी गई है और ऊपर के इन्फॉर्मेशन बटन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं जहाँ स्पेशली वॉशिंग एंड केयरिंग के लिंक्स एंड रिकमेंड्स दिए गए हैं। मिट्टी कूल के तवे में बनाई गई रोटियां बहुत ही सॉफ्ट होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम आटा गूंथते हैं वो हमें रोटी बनाने के लिए बहुत सॉफ्ट बनाना पड़ता है, लेकिन इनकेस कभी आपका आटा हार्ड भी हो गया तो जब उस हार्ड आटे के साथ भी इसमें रोटियां बनती है वो सॉफ्ट बनती है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें जो एक्सेस वाटर होता है ये तवा उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और फाइनल प्रोडक्ट जो रोटी का होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और हेल्दी रहता है। मार्केट में हम देखते हैं कि हमें नॉनस्टिक के तवे मिलते हैं, एल्यूमिनियम के तवे मिलते हैं, उनकी कंपैरिजन में मिट्टी के तवे में जो रोटी बनती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, उनका टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है और वो खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट रहती है, जो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस प्रोडक्ट में जो मिट्टी यूज़ की गई है वो केमिकली टेस्टेड है, विच इज़ फ्री फ्रॉम लिड एंड कैडमियम। जनरली मिट्टी में जो लीड की प्रेजेंस होती है वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है, लेकिन ये साइंटिफिकली टेस्टेड है जिससे वो हमारी बॉडी को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाते। इस प्रोडक्ट को हैंडल करना भी बहुत आसान है। बाय चांस कभी फ्यूचर में अगर ये तवा टूट जाता है तो आप इजीली तवे को खरीद के इसी स्टील के स्टैंड में वापस एडजस्ट कर सकते हैं और इसे वापस यूज़ कर सकते हैं। हमारे मिट्टी कूल के प्रोडक्ट्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। आप इसे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म www.mittikool.com से भी परचेस कर सकते हैं और हमारे मिट्टी कूल स्टोर्स में भी ये इजीली अवेलेबल है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम पे सारे प्रोडक्ट और रेंजेस अवेलेबल है। आपको कोई भी प्रोडक्ट की डिटेल्स चाहिए तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिट्टी कूल का यही उद्देश्य है, स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी खाएं और स्वस्थ रहें। इसी आशा के साथ मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते।